शुरुआत में मध्य प्रदेश में चालक के ओवरटेक करने के प्रयास के फलस्वरूप बस पुल से नीचे नर्मदा नदी में गिर गई थी और 12 यात्रियों की मौत हो गई थी। पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। ये हादसा मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट और ठीकरी के बीच सोमवार 18 जुलाई की सुबह करीब 10:15 बजे हुआ था। इंदौर से सुबह 7:30 बजे महाराष्ट्र के जलगांव जिले से अमलनेर के लिए रवाना हुई महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस खलघाट के नर्मदा पुल पर रेलिंग तोड़ती हुई नदी में गिर गई थी। मृतकों में 7 यात्री महाराष्ट्र के, 4 राजस्थान के और 1 इंदौर का था। खरगोन के जिला पुलिस अधीक्षक डीएस यादव ने शुक्रवार को पीटीआई भाषा को बताया। जांच के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब बस चालक ने आगे चल रहे एक ट्रक से आगे निकलने की कोशिश की। इसके लिए उसने बस की गति बढ़ा दी, लेकिन ऐसा करने के दौरान वो बस से नियंत्रण खो बैठा और वह पुल की रेलिंग तोड़ने के बाद नदी में गिर गई। पुलिस ने घटना की चश्मदीद एक व्यक्ति का बयान दर्ज किया है। जब यह हादसा हुआ उस समय ये व्यक्ति बाइक पर सवार होकर बस के पीछे जा रहा था। यादव ने कहा कि ये व्यक्ति हादसे का एकमात्र गवाह है।